नमस्कार, मैं हूँ स्वरूपा घोष और एक बार एफटीसी की तरफ से मैं आई हूँ आप सभी से बात करने के लिए हमारी अगली कार्यक्रम यानी कि हमारी अगली वर्कशॉप के बारे में। पिछले महीने जब हम लोगों ने एक वीकेंड वर्कशॉप कंडक्ट किया कुछ हद तक ये समझने के लिए कि यहाँ जो लोग आते हैं, यहाँ मतलब इस शहर में काफी सारे यंगस्टर्स जो आते हैं और वो एक सपना लेके आते हैं कि वो फिल्म इंडस्ट्री में काम करेंगे या टेलीविजन में काम करेंगे, तो उन लोगों की प्रॉब्लम्स क्या है, वो क्या चाहते हैं, उनको किस किस्म की ट्रेनिंग की सबसे बड़ी जरूरत है। हालांकि एफटीसी कई सालों से इस पर ध्यान दे रहे हैं और धीरे धीरे उस तरफ मूव कर रहे हैं जहां पर वो एक सही किस्म की एनवायरनमेंट कहिए या एक प्लेस कहिए जहां पर इन बच्चों को वो हेल्प कर सके। वो यानी कि हम सब जो एफटीसी में काम करते हैं, हम सभी मिलकर उनको कुछ हद तक हेल्प कर सके ताकि वो आगे जाके इस इंडस्ट्री में और बेहतरीन तरीके से काम कर पाए। पिछले महीने की जो वर्कशॉप हुआ था उसमें से हमें एक चीज बहुत क्लियरली पता चला कि किस किस्म की ट्रेनिंग की शख्स जरूरत है, और वो जरूरतें जब इन लोगों ने पूरा किया तो वो बहुत खुश थे। और मेरे ख्याल से अगर आप एफटीसी के पेज में जाएंगे तो आपको उनकी बाइट्स भी देखने को मिलेंगे जहाँ पर उन्होंने बहुत खुले दिल से बात की है उनको क्या क्या सुविधाएं मिली, क्या क्या चीज सीखने को मिला है और कौन सी चीजों पर वो अभी भी चाहते हैं कि हम लोग काम करें। तो उन्हीं के ये सारे जो सजेशंस है, फीडबैक्स है, उनको याद करते हुए या उनको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने अपनी अगली जो कार्यक्रम है या अगली वर्कशॉप जो है उसको तय किया है। वो होगा कैरेक्टर बिल्डिंग के ऊपर। जब मैं कहती हूँ कैरेक्टर बिल्डिंग, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका चरित्र कैसा है इस पर हम काम करेंगे। हम लोग एक रोल प्ले करने के लिए जब भी आप कोई चरित्र निभा रहे हैं उस चरित्र को सही तरीके से कैसे आप कर सकते हैं उस पर काम करेंगे। और आई एम श्योर आप लोगों ने, आप में से कई लोगों ने स्टानिस्लावस्की के बारे में सुना है, इस पर उनका किताबें हैं, वो आप पढ़ चुके हैं, पर पढ़ना एक अलग बात है और वो एक्चुअली सारे एक्सरसाइजेस करके उस चीज को समझने की जो बात है वो और एक बात है। इसीलिए यही सब चीजें ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने अपना जो वर्कशॉप है 10 दिन का उसको दो हिस्से में बांटा है। पहले 5 दिन हम 5 टॉपिक्स पूरा करेंगे जो कि कैरेक्टराइजेशन के लिए बहुत बहुत मायने रखता है, और फिर एक वीकेंड के बाद दूसरे 5 दिनों में हम उसके आगे वाले हिस्से को तैयार करेंगे। इस बार हमने एक आसान तरीका रखा है क्योंकि कई सारे बच्चे हैं जो कई दिनों से थिएटर कर रहे हैं या तो ऑडिशन दे रहे हैं और वो काफी जानकारी लेके आते हैं। उनके लिए कई बार वो ये बोलते हैं कि मैम हमें इतना कुछ नहीं, हमें ये पर्टिकुलर एस्पेक्ट जानना जरूरी है। इसीलिए हम लोगों ने टॉपिक को इस तरीके से ब्रेकअप किया है ताकि अगर आप चाहें तो आप पहले 5 दिन का जो हिस्सा है वो करके ड्रॉप कर सकते हैं, या तो दूसरे हफ्ते का जो 5 दिन है वो आप सिर्फ ज्वाइन कर सकते हैं, या तो आप पूरा जो 2 वीक का कोर्स है उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमने अभी तक ये तय नहीं किया कि उस 5 दिन के कोर्स में भी हम कोई अलग ऐसे तरीका रख रहे हैं कि नहीं, कि जहां पे कोई आके सिर्फ 3 सेशंस अटेंड करे या 2 सेशंस अटेंड करे, जो कि हमने पिछले वर्कशॉप में किया है। पर अगर आपको लगता है कि आप वो भी करने के लिए तैयार है तो प्लीज हमें खुल्लम खुल्ला बताइए, या तो आप हमारे एफटीसी में आए, आके इन इस चीजों के बारे में बातें करें, हमारे जो यहाँ पर एसोसिएट्स हैं वो आपको हेल्प करेंगे, और हम आशा रखते हैं कि आप लोग आएंगे, ज्वाइन करेंगे और हम एक साथ बहुत सी चीजें, बहुत से पड़ाव पार करेंगे। थैंक यू वेरी मच।
आज के लिए इतना ही है, फिर मिलेंगे अगले हफ्ते कुछ और चीजों के बारे में बात करने के लिए।